जी वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। आज 19 अगस्त को ओ लेवल के सभी शिफ्ट के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपका भी आज एग्ज़ाम था तो सबसे पहले तो आपको हमें क्वेश्चन भेजने हैं। आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए अगर आपको याद हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको याद हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, टेलीग्राम पर बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है अहमद टेक्नोलॉजी 1007 के नाम से, वहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं। और मेरा नंबर है 8505848, ठीक है, 8968, इस पे भी आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं अपने क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आज पूछे गए। तो सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है 19 अगस्त को, इसकी एनालिसिस की वीडियो भी डाल दूंगा अभी M1R5 की। अगर आप क्वेश्चन भेजेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो M2 M3 सभी के डाल देंगे जिस जिसका भी आज एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। तो आज आपका जो एग्ज़ाम हुआ है, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, कितने नंबर आप ला सकते हैं 100 में से। आप सभी जानते हैं 100 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए होंगे और नेगेटिव मार्किंग इसमें थी नहीं, तो आपको क्या लगता है कितने क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, यानी कितने नंबर आपके आ जाएंगे आज के पेपर में, ठीक है। दूसरा ये बताना है कि आज जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है, पहली बार ओ लेवल के ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं, इससे पहले कभी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हुए, ऑफलाइन आपके एग्ज़ाम होते थे, तो कैसा लगा आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देके, क्या कमियां लगी आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम में, क्या आपके हिसाब से ऑनलाइन एग्ज़ाम अच्छा था या आपके हिसाब से ऑफलाइन एग्ज़ाम अच्छा था, आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, सभी को कमेंट बॉक्स में लिखनी है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम अच्छा क्यों है या ऑनलाइन एग्ज़ाम अच्छा क्यों नहीं है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है सभी बच्चों को, क्योंकि आपकी अलग अलग राय होंगी, तो इसकी कमियाँ भी होंगी और कुछ इसके फ़ायदे भी होंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम के। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है आपके हिसाब से क्या है, ऑनलाइन अच्छा था या ऑफलाइन अच्छा था, और इसका एक एक कारण लिखिए कि क्यों अच्छा है। कुछ मैं बता देता हूँ आपको कि ऑनलाइन एग्ज़ाम के क्या फ़ायदे हैं और ऑनलाइन एग्ज़ाम के क्या नुकसान हैं, वो मैं आपको एक बार बता दूँ, उसके बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्वेश्चन ज़रूर भेज दीजिए हमें और अपना स्कोर ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपका क्या स्कोर रहा। क्योंकि स्कोर बताने से क्या फ़ायदा होगा, स्कोर बताने से ये फ़ायदा होगा कि अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपका स्कोर क्या है थ्योरी एग्ज़ाम में, क्योंकि इसका 60% वेटेज लिया जाएगा, तो आपको प्रैक्टिकल में फिर कितने नंबर चाहिए, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्कोर ज़रूर बताएं ताकि मैं हिसाब लगा सकूँ, आपको बता सकूँ कि आपको प्रैक्टिकल में अब कितने नंबर चाहिए, क्योंकि दोनों को मिलाकर ही पास किए जाओगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का ओवरऑल एवरेज 50% अगर बन जाता है तो पास हो जाते हो डी ग्रेड से, अदरवाइज फेल कर दिए जाओगे एफ ग्रेड के साथ, समझ रहे हो बात। तो इसलिए स्कोर ज़रूर बताएं, आपको पता तो होगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं, मिनिमम मैक्सिमम यानी लगभग में आप बता सकते हैं, या एग्जैक्ट तो किसी को पता ही नहीं होगा कितने सही हैं, क्योंकि आंसर की तो आपकी आएगी नहीं वहाँ से, या तो आप मिला ही नहीं सकते, तो लगभग में बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे। चलिए दूसरा ऑनलाइन एग्ज़ाम के फ़ायदे क्या हैं, देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम के फ़ायदे, या एक तो मेरे हिसाब से ये है, पहले जब आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था उसमें आपको OMR सीट मिलती थी, क्या मिलती थी उसमें आपको OMR सीट दी जाती थी, तो OMR सीट में बहुत से बच्चे गलती करके आते थे, उनके गोले गलत फिल हो जाते थे, और एक बार जो गोला आपने गलत फिल कर दिया, जैसे आपको बी में फिल करना था सी में आपने फिल कर दिया, तो अब आप उसको वाइटनर से भी मिटा नहीं सकते, ना उस पर पेंसिल फेर सकते, ना उस पर रबड़ से उसको मिटा सकते थे किसी से भी, तो जो फिल कर दिया, तो सबसे बड़ी कमी तो यही थी कि उसको आप मिटा नहीं सकते। दूसरी कमी ये थी कि बहुत से बच्चे उसमें सिग्नेचर करना भूल जाते थे, तो इसकी वजह से आपके रिजल्ट में 0-0 देखने को मिला इस बार बच्चों को, ठीक है, सबसे बड़ा कारण यही था। तीसरी गलती क्या है, वो ऑफलाइन एग्ज़ाम की कमी क्या है ऑफलाइन एग्ज़ाम की, ये बता रहा हूँ मैं। तीसरी कमी ये है ऑफलाइन एग्ज़ाम की जो मुझे लगती है कि OMR सीट में जो आंसर आपने टिक कर दिया वो तो आप उसको मिटा ही नहीं सकते, लेकिन जैसे आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा जिसका उसमें लिखा था TCP की फुल फॉर्म बताइए, तो आपने TCP का फुल फॉर्म जल्दबाजी में पढ़ा या जैसे भी आपने पढ़ा उसकी फुल फॉर्म आपने गलत लगा दी, यानी बी ऑप्शन सही था, आपने सी ऑप्शन फिल कर दिया, तो अब आप उसको मिटा नहीं सकते, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है, अगर आपने बी वाला ऑप्शन टिक कर दिया तो आप आगे बढ़ गए 5वें पे से 6ठे पे 7वें पे चले गए, लेकिन आपको पता चला कि यार वो तो गलत फिल कर दिया, तो आप बैक आके प्रीवियस पे आके उस क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं, ये आपका ऑनलाइन का सबसे बड़ा फ़ायदा है, यानी आपने जो आंसर टिक किए आप उनको चेंज कर सकते हो, उनके ऑप्शन आप चेंज कर सकते हो, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है ऑनलाइन एग्ज़ाम का, ऑफलाइन एग्ज़ाम में आपको ऐसी सुविधा नहीं दी जाती है, ठीक है। तो आपको भी लगता होगा ये कमी है या नहीं है, ठीक है, ऑफलाइन एग्ज़ाम की। ऑनलाइन एग्ज़ाम की कमी ये है एक कि इसमें आपको आंसर की नहीं मिलती, यानी आंसर की जारी नहीं की जाती कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं। अब आप कहेंगे सर SSC की तो जारी की जाती है, वो SSC का एग्ज़ाम है, मुझे नहीं लगता वो लेवल में आंसर की जारी की जाएगी कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और NLET अगर जारी कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, आप अपना स्कोर चेक कर पाएंगे, प्रैक्टिकल से पहले कर दे आंसर की जारी तो और अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ओ लेवल के आंसर की जारी होगी। क्यों क्यों नहीं लगता, क्योंकि अब से पहले भी ओ लेवल के एग्ज़ाम होते थे ऑफलाइन, उसमें NLET केवल क्वेश्चन पेपर जारी करता है आपके प्रीवियस ईयर के, आंसर उनके भी जारी नहीं
नहीं करता, इसलिए मुझे लगता है कि आंसर की नहीं आएगी। तो सभी बच्चों जिनका भी एग्ज़ाम था आज, उनको अपना स्कोर लिखना है, कितना स्कोर रहा, क्वेश्चन बताइए हमें, आपका कौन सा मॉड्यूल था वो बताइए, और कौन कौन से क्वेश्चन आपको याद हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए, सभी बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो और कोई आपके मन में डाउट हो वो आप लिख सकते हैं, आपका नेक्स्ट डे में एग्ज़ाम होगा, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, और किसी ही क्वेश्चन को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले आपको उस क्वेश्चन का सही आंसर बताया जाए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास भी ज़रूर पहुंचे, ठीक है। तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि वो भी अपनी राय दे सकें, और अपना जो स्कोर रहा आपका और अपने किस मॉड्यूल का आज पेपर था वो हमें बता सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।